सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच विद सोनिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है दुपट्टा जिसका मैं काफ्तान बनाऊंगी। तो इस तरीके से पहले मैं इसको फोर फोल्ड कर लूंगी, पहले एक बार लेंथ वाइज और फिर उसके बाद एक बार इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब लगाएंगे इसका शोल्डर का निशान। तो 6 इंच में इसकी शोल्डर रखूंगी, 6 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और यहां से एक निशान लगाऊंगी 6.5 पर आर्म होल के लिए। उसके बाद एक निशान यहां से कमर के लिए 7 इंच पर, और एक निशान 15 इंच पर हिप के लिए। तो इनको सीधा कर लेंगे मार्क्स को इस तरीके से। यहां पर हमें इसमें आर्म होल जो है कट नहीं करना होता, आर्म होल का हम निशान नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर चेस्ट है 9.5, तो 9.5 पर ही निशान लगाएंगे हम, इसमें लूजिंग वगैरह नहीं देंगे और ना ही मार्जिन लेंगे। तो एक निशान यहाँ पर मैं 9.5 पर लगा लूंगी, और कमर यहाँ पर है 8, और हिप के लिए मैं यहाँ पर 10.5 लूंगी, और इस तरीके से इन सारे मार्क्स को आप इसमें ज्वाइंट कर दूंगी। और यहां पर इस तरीके से मैं इसको ए शेप में मार्क कर दूंगी। जितना भी आपको घेर रखना है उसके अकॉर्डिंग आप नीचे वाला जो मार्क है वो लगाएंगे। तो ये यहां पर मैंने मार्क कर दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो कपड़ा है प्रिंटेड है और इसकी चौक भी ज्यादा विजिबल नहीं हो पा रही है। तो ये हमारा एक साइड का मार्क जो है हो गया है। अब मैं यहाँ पर गले के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं नेक का निशान लगाऊंगी, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्रॉड ले लूंगी 3 इंच, उसके बाद लेंथ यहाँ पर कितनी लेनी है वो ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ 5, फ्रंट और बैक का एक जैसे बना लूंगी मैं, दोनों 5-5 इंच के बना लूंगी। तो इनको इकट्ठा ही कट कर लेंगे। पहले यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, और अब इसको गोलाई दे देंगे। अब फैब्रिक को सेट करके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नेक कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका सेंटर वाला हिस्सा है यहां पर हमें मार्क करना है। और अब इसको खोल कर इस तरीके से बिछा लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे जो काफ्तान की जो मार्किंग है वो हमें सीधी तरफ करनी है, क्योंकि सिलाई भी सीधी तरफ ही लगेगी। तो जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो फैब्रिक को मैंने सेट कर लिया है। अब जो मार्क हमने उस तरफ लगाए थे, यहाँ से हमने चेस्ट ली थी 9.5, तो यहाँ से 9.5 पर एक मार्क कर दूंगी मैं, और आर्म होल मैंने लिया था 6.5, तो ये 6.5 है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से। उसके बाद मैं यहाँ से 7 इंच पर एक मार्क करूंगी, और फिर एक मार्क 15 पे, और इनको मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 9.5 पर एक मार्क किया है, और यहाँ से 8 पर एक मार्क करूंगी, और उसके बाद 10.5 पर, और अब इनको मिला दूंगी आपस में। और घेर देख लेंगे यहाँ से कितना लिया है, उतने इंच पर ही घेर का निशान लगाएंगे।
तो यहाँ से 13 इंच पर घेर का निशान लगाया है मैंने, तो यहाँ से भी 13 इंच पर ही लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स काफ्तान की मार्किंग हो चुकी है, अब हमें इसको स्टिच करना है। स्टिच हमें कहाँ से लेकर आना है, यहाँ से इस मार्क से हमें स्टिच लेकर आना है और जो जो मार्किंग हमने की हुई है वहां पर ही हमें स्टिच को लेकर जाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। नेक के लिए मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी का यूज करूंगी और उसके बाद यहाँ पर साइड में मेरे पास ये वाली लेस है, ये वाली लेस मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगी और नीचे घेर पर भी मैं यही लेस यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है बहुत पतला है तो इसके नीचे इनर बनाना है मुझे। तो इनर कैसे बनाएंगे, इनर के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। काफ्तान की जो लेंथ है वो 44 इंच है तो उससे हमें कम रखनी है इसकी लेंथ, 40 या 38 भी रख सकते हैं, तो मैं इसकी लेंथ 38 लूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी, 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करके देख लेंगे हम। 10.5 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा 10.5 आ रहा है। पर हमें इसमें मार्जिन भी लेना है तो हमें थोड़ा ज्यादा कपड़ा चाहिए, 12.5 लेना है, 2 इंच का मार्जिन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये फैब्रिक मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, अब इस पर मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स ये जो इनर है मैं कट स्लीव्स का रखूंगी, इसके लिए शोल्डर में यहाँ से लूंगी। पहले इसको सीधा कर लेती हूँ फैब्रिक को, 6 इंच शोल्डर लूंगी और 6.5 इंच मैं इसका आर्म होल रखूंगी यहाँ से, और बाकी की मार्किंग वैसे ही जैसे अपने काफ्तान में लगाई थी। एक मार्क यहाँ पर 7 इंच पर, दूसरा 15 पर और यहां से ब्रेस्ट के लिए 9.5 कमर 8 और ये 10.5। इन मार्क्स को मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहां से मार्क कर लिया है और मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है और यहां से मैंने 3 इंच ब्रॉड लेकर और 6 इंच इसकी लेंथ लेकर मैंने नेक ड्रॉ किया है। सर्कल ही नेक बनाऊंगी मैं यहाँ पर भी क्योंकि ये इनर है। और उसके बाद ये वाली जो हमारी लाइन है आर्म होल की, हम जो जैसे हम नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं स्लीव वाली, उसमें हम इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हैं और फिर जो है फ्रंट आर्म होल कट करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि कट स्लीव है, स्लीव लेस है, तो इसमें हम एक ही आर्म होल कट करेंगे, बैक आर्म होल। तो इस तरीके से 3.25 पर एक मार्क लगाकर यहां से इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आर्म होल की शेप हो गई और अब इसे कट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं कट, यहां से 1/2 इंच गिरा देंगे शोल्डर से। फ्रेंड्स कटिंग हो चुकी है तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं काफ्तान की। अगर हमें कोई डिजाइन बनाना है तो पहले हम वो बना लेंगे, नेक डिजाइन या कोई भी लेस वगैरह जो भी लगानी है। तो पहले मैं यहाँ पर ये वाला जो सेंटर वाली लाइन थी इसको मैंने थोड़ा डार्क कर लिया है और यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है मुझे कहाँ तक लेस लगानी है। तो मुझे 11 इंच तक लेस लगानी है। ये मेरे पास लेस है क्योंकि इसमें ब्लू कलर आ रहा है इसलिए मैंने ब्लू कलर की लेस ली है। तो अब इस लाइन से 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से लेस को सेट करके स्टिच लगा देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं स्टिच। इसके लिए ऊपर का धागा हमें ब्लू रखना होगा और नीचे का धागा सेम रहेगा। और ये जो मार्क किया है हमने यहां से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे लेस को और इस तरीके से घुमा लेंगे। और
फिर उसी तरीके से इसको घुमा लेंगे। और अब उसी तरीके से हाफ हाफ इंच का गैप लेकर इस वाली लाइन से सेंटर वाली लाइन से इस लेस को वापस ऊपर की साइड ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लेस मैंने जॉइंट कर ली है। अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास ब्लू कलर का कपड़ा पड़ा है एक्स्ट्रा कंट्रास्ट का, तो इसमें से मैं तिरछी पट्टी निकालूंगी और गले पर तिरछी पट्टी लगाकर इसको फोल्ड कर लूंगी। तो चलिए लगा लेते हैं तिरछी पट्टी। तो फ्रेंड्स ये मैंने तिरछी पट्टी कट करके जॉइंट कर ली है, तो चलिए इसको नेक पर लगाते हैं। पहले हम इसको नेक के उल्टी तरफ स्टिच करेंगे और फिर इसको पलटा लेंगे। तो इस तरीके से इस पट्टी को डबल करके, ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इस तरीके से इसको डबल करके और इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। चलिए कर लेते हैं स्टिच। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने तिरछी पट्टी लगा ली है नेक में और यहाँ पर आकर मैंने इसको इस तरीके से किया है। ये देखिए ये जो मैं पहले यहाँ से लेकर गई थी इसको मैंने आधा इंच खोल लिया है और इसके साथ ही ये वाली जो दोबारा मैं पट्टी लेकर आई हूँ घुमाकर इसको भी आधा इंच इस तरीके से छोड़ दिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको पलटेंगे तो इस तरीके से इसको पलट देंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो उससे पहले हमें कट लगाने हैं, यहाँ पर मैं कट लगा लूंगी और उसके बाद इसको इस तरीके से पलटकर यहाँ पर एक स्टिच लगा दूंगी। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पट्टी लगा ली है और पट्टी के साथ साथ मैंने ये वाली लेस भी नीचे दबाते हुए स्टिच कर ली है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से नेक का लुक आएगा हमारे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो मार्किंग हमने की थी पहले, मार्किंग के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मार्क थोड़े से लाइट हो गए हैं तो इनको डार्क कर लेंगे और इनके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने मार्क को डार्क कर लिया है, अब इस पर हम स्टिच लगाएंगे फिटिंग की। और मैंने साइड में ये वाली लेस लगा ली है, दोनों साइड लगा ली है। यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे और इसको पक्का कर लेंगे। और कपड़े को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे हमने जो जो मार्किंग की है उस पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, इस तरीके से मैंने दूसरी साइड भी स्टिच लगा ली है। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास कुछ बटन्स हैं पिंक कलर के इससे मैचिंग के, तो ये मैं यहाँ पर लगा दूंगी इस तरीके से। इसी के साथ हमारा ये काफ्तान कुर्ती बनके तैयार है। और फ्रेंड्स जो मैंने इसका इनर कट किया था उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने तिरछी पट्टी लगाकर इसका नेक बना लिया है और स्लीव्स पे भी मैंने तिरछी पट्टी का यूज़ किया है इस तरीके से। और उसके बाद मैंने इसकी फिटिंग दे दी है। जिस तरीके से हम सिंपल कुर्ती स्टिच करते हैं उस तरीके से हमें ये इनर बनाना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।